हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम हर्ष फ्रॉम द टीम डिजिटल मॉन्क। आज हम लोग आपको बताएंगे कैसे एक सस्ते से फोन को का कैमरा आप काफी अच्छा कर सकते हैं अगर आपके पास कैमरा टू एपीआई है। काफी लोगों को पहले से पता होगा, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ डालेंगे गूगल कैम जो आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएगा। मेरे पास भी लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके फोन में कैमरा टू एपीआई है, आप उसका कैमरा काफी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक वो मिड रेंजर तक के बराबर हो सकता है। मैं कंपेयर करूंगा कुछ शॉट्स मेरे फोन के साथ, जो मेरा एक साल पुराना फोन है, जो मिड रेंजर है, और एक बजट सेंट्रिक रियलमी C3 में, जिसे मैंने गूगल कैम स्टॉल किया है। तो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मार्केट में बजट सेंट्रिक फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कंपनीज पे जो एक बजट में उनको अच्छा फोन दे सके। रियलमी C3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ज्यादा पुराना फोन नहीं है और मैक्सिमम लोगों ने उसको खरीदा है, तो काफी लोगों को उसमें काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। प्रोसेसर अच्छा है, मीडियाटेक G70, और 12 और 5 मेगापिक्सल के कैमरा है उसमें रियर में, और फ्रंट मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का F2.2। चलते हैं बाहर, उसको कंपेयर करते हैं एक मिड रेंजर के साथ जिसमें गूगल कैम नहीं है, जिसमें स्टॉक कैम है, और कैसे गूगल कैम उस बजट सेंट्रिक फोन जो रियलमी C3 है उसको अच्छा बनाता है। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप गूगल कैम को अपने रियलमी C3 में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कैमरा टू API नहीं है। ये जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इससे गूगल कैम इंस्टॉल कर ले। पोर्ट्रेट मोड और नाइटस्केप आपके में नहीं चलेगा, बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों के फोन में कंप्लेन होती है कि जो उनका सॉफ्टवेयर है और जो उनका UI है वो उनको 4K वीडियो रिकॉर्ड करने को नहीं देता, और वो वेट करते रहते कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। अगर आपके पास गूगल कैम ये वाला है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा मिलता है वो सपोर्ट करता है आपके फोन को, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। वो आपका ये रिस्ट्रिक्शन हटा देगा कि आप 4K वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो काफी फायदे हैं गूगल कैम के, अगर आप यूज करते हैं तो काफी अच्छा है आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी मैंने, आप जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो काफी सिंपल UI है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे मैंने रियलमी C3 में उसको किया था, और मैं फिर आपको अभी शाम बताऊंगा। गूगल कैम को इंस्टॉल करने के लिए आपको उस लिंक पे जाना है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, जहाँ वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। जब गूगल कैम को खोलेंगे तो आपको भी सिंपल इंटरफेस मिलेगा, आप ऊपर से सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको HDR+ Enhance तक के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आप कैमरा टू API के बिना भी यूज कर सकते हैं। जब आप वापस जाएंगे सारी सेटिंग्स में तो आपको वहां पे काफी ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एडवांस में जाएंगे तो आपको कंट्रोल्स कुछ मिलेंगे, जो कुछ है जो कैमरा टू API में सपोर्ट करते हैं, कुछ में जरूरत नहीं उसकी। वापस जब जाएंगे तो आप नीचे जाके देख सकते हैं कि क्वालिटी भी आपको HDR+ तक मिलती है, लेकिन मैं ओरिजिनल में रहता हूँ। बाकी अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपका फोन सपोर्ट करता है।